Section 41, injunctions when refused and injunctions cannot be granted. इसमें बहुत सारे सब क्लॉज हैं दोस्तों, ए से लेके जे तक है. तो सब क्लॉज ये बोलता है, टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम प्रोसिक्यूटिंग अ जुडिशियल प्रोसीडिंग पेंडिंग एट द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट इन विच द इंजंक्शन इज साउट अनलेस सच रिस्ट्रेंट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स. अगर कोई पर्सन इंजंक्शन किस चीज़ की लगवाने गया है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स किसी कोर्ट में पेंडिंग है कि उन पे इंजंक्शंस लग जाए, अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को स्टे करवाने के लिए जाएगा तो वहाँ पे कोर्ट इंजंक्शंस ग्रांट नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं. तो ऑलरेडी कोर्ट ही कुछ कर रहा है तो वहाँ पे वो स्टे नहीं लगवा सकता है. सब क्लॉज बी बात करता है, टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एनी प्रोसीडिंग्स इन अ कोर्ट नॉट सबऑर्डिनेट टू दैट फ्रॉम विच द इंजंक्शन इज साउट. अगर कोई पर्सन इंजंक्शन लगवाने जा रहा है, किस चीज के लिए लगवाने जा रहा है, अब ऑर्डिनेट कोर्ट में इंजंक्शन लगवाने जा रहा है, वहां जाके बोल रहा है कि आपकी जो हायर कोर्ट्स है, आपकी जो प्रोसीडिंग्स चल रही है उन पे आप स्टे लगा दो, तो यहाँ पे बोलेगा वो कि नहीं, जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो हायर कोर्ट से उसकी प्रोसीडिंग्स के लिए इंजंक्शंस ग्रांट नहीं कर सकता है. सी नंबर बात करता है, टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम अप्लाइंग टू एनी लेजिस्लेटिव बॉडी. कोई भी पर्सन उसको मना किया जाए कि लेजिस्लेटिव बॉडी के पास अप्लाई नहीं कर सकता है तो उस केस में भी इंजंक्शंस ग्रांट नहीं की जाएगी. फोर्थ नंबर है, टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एनी प्रोसीडिंग्स इन अ क्रिमिनल मैटर. क्रिमिनल मैटर्स पे इंजंक्शंस लगवा सकते हैं तो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्रिमिनल मैटर्स पे इंजंक्शंस वो नहीं लगवाया जा सकता है. तो क्रिमिनल केसेस जो भी होंगे उन पे प्रोसीडिंग्स चलती रहेगी, स्टे नहीं लग सकती, इंजंक्शंस ग्रांट नहीं किया जाएगा. ई नंबर, टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच वुड नॉट हैव बीन स्पेसिफिकली इन्फोर्स. जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसका ब्रीच को प्रिवेंट करने के लिए क्या हम इंजंक्शंस लगवा सकते हैं, तो इसका आंसर है कि नहीं, जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसको प्रिवेंट करने के लिए जो इंजंक्शंस है वो ग्रांट नहीं हो सकती है. इसमें है कि अगर कोई पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो दोनों पार्टीज हैं उनमें से कोई भी कोर्ट में जा सकता है कि ये पार्टीज कल को जाकर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच ना करें, तो ये कहता है कि ऐसा हम नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कर सकते. तो इसकी एक्सेप्शंस दी गई है सेक्शन 42 में, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वाले केसेस में भी इंजंक्शंस लगवा सकते हैं. मतलब जहाँ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जहाँ पे कुछ पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है, एक पर्सन है जिनमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उनमें से एक चीज़ करनी है और उनको मना किया गया करने से, तो जो पॉजिटिव चीज़ है जो करनी है उसके लिए कोर्ट इंजंक्शन नहीं लगा सकता, लेकिन जो नहीं करनी है तो उसके लिए बिल्कुल करवा सकते हैं इंजंक्शंस, ये कहता है सेक्शन 42. F नंबर बोलता है, टू प्रिवेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ न्यूसेंस एन एक्ट ऑफ विच इट इज नॉट रीजनेबली क्लियर दैट इट विल बी अ न्यूसेंस. अगर कोई डाउटफुल केस है न्यूसेंस का, तो न्यूसेंस वाले केसेस में भी जहां हमें डाउट है कि ये एक्चुअली न्यूसेंस है भी या नहीं भी, तो उन केसेस में भी इंजंक्शंस ग्रांट नहीं हो सकती है. नेक्स्ट है G नंबर, टू प्रिवेंट अ कंटिन्यूइंग ब्रीच इन विच द प्लेंटिफ हैज एक्विजिस्ट. जहाँ पे प्लेंटिफ ने ही हाँ बोल दी है, पहले प्लेंटिफ कुछ नहीं कहता, जो भी वहाँ पे ब्रीच हो रही है उसके लिए प्लेंटिफ कुछ बोलता नहीं, बट लेटर ऑन प्लेंटिफ कहता है कि मुझे इस चीज़ से ऑब्जेक्शन है. तो जब पहले प्लेंटिफ ने ही हाँ कर दी है किसी चीज़ को करने के लिए, तो बाद में वो ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे इंजंक्शन लगा दो कि ये नहीं करना मुझे. एच नंबर है, वेन इक्वली इफेक्शियस रिलीफ कैन सर्टनली बी ऑब्टेन्ड बाई एनी अदर यूजुअल मोड ऑफ प्रोसीडिंग्स एक्सेप्ट इन केस ऑफ बी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. अगर कोई और रेमेडी है और अवेलेबल है तब उन केसेस में भी इंजंक्शंस देने की ज़रूरत नहीं है, जो दूसरी रेमेडीज है हम पहले वो अवेल करेंगे फिर जाके इंजंक्शंस मिल सकती है. दोस्तों हमारा जो एच ए सब क्लॉज है इसको 2018 में ऐड किया गया है, इफ़ इट वुड इम्प्लीड और डिले द प्रोग्रेस और कम्प्लीशन ऑफ एनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और इंटरफेयर विद द कंटिन्यूड प्रोविजन ऑफ रिलेवेंट फैसिलिटी रिलेटेड देयर टू और सर्विसेज बीइंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सच प्रोजेक्ट. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उन केसेस में भी इंजंक्शंस ग्रांट नहीं करेगा कोर्ट, क्योंकि क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उससे उनमें डिले होगी, जो प्रोग्रेस है वो डिले हो सकती है या कंप्लीशन है वो टाइम पीरियड से ज़्यादा जा सकती है, इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए कोर्ट्स इंजंक्शंस ग्रांट नहीं करेगा. आई, व्हेन द कंडक्ट ऑफ द प्लेंटिफ और हिज एजेंट हैज़ बीन सच एज टू
disentitle him to be the assistants of the court. जो plaintiff का जो conduct है वो भी disentitle कर सकता है. जैसे प्लेंटिफ ने फ्रॉड किया है किसी केस में, तो फ्रॉड प्लेंटिफ ने किया है तो इसलिए वो जाकर इंजंक्शन क्लेम नहीं कर सकता. अगर क्लेम करता है तो कोर्ट उसको इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी. नाउ लास्ट जे, व्हेन द प्लेंटिफ हैज़ नो पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर. अगर प्लेंटिफ ने इंजंक्शन के लिए फाइल कर दिया है उसके बाद वो कहता है कि मेरा तो कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है इस केस में, तो वहाँ पे भी कोर्ट जो है वो इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगा.